हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ। आज मैं आपको करवा रहा हूँ चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। 10th क्लास में ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं अलग से इसकी वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। एक ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मीन्स ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में दो साइड और मीडियन का जो रेशियो है वो इक्वल है, ऐसे गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन हो गया। हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन करी है कि एडी को आगे प्रोड्यूस कर दिया ई तक, एडी को ई तक प्रोड्यूस कर दिया इस तरह से कि एडी और डीई इक्वल है दोनों, एडी और डी, और फिर सी को ज्वाइन कर दिया। ऐसे पी एम और एम एस इक्वल हैं और आर एफ को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें स्टेप्स हम याद रखेंगे, तीन पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले तो हमारा इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ई सी डी ई डी सी, इन दोनों में आप देखोगे कि ए डी और डी ई इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। इसको हम एंगल वन और टू ले लेते हैं, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बी डी इक्वल टू डी सी। ये क्यों, क्योंकि एडी मीडियन है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे हो गए सिमिलर, साथ के साथ आपको क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, एस ए एस से सिमिलर नहीं बल्कि कॉन्ग्रेंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनकी साइड्स इक्वल होंगी, तो ए बी इक्वल टू सी, ये हमें याद रखना है, सी पी सी टी, यानी हमने एक रिजल्ट ये निकाल दिया। और सिमिलरली अब हमें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने इस ट्रायंगल में किया है ऐसे इस ट्रायंगल में हम कर सकते हैं, पी क्यू और आर एफ इक्वल है। तो हमारे को दो रिजल्ट मिल गए, कौन कौन से, एक तो ये कि ए बी और सी इक्वल है, एक पी क्यू और आर एफ इक्वल है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी हम ये कह सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था वो देखो, आप गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन कितना पी आर, और ए डी अपॉन पी एम। तो अब यहाँ पे हम अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन डाल भी दें वैसे जरूरत तो नहीं है, और यहाँ लिख देते हैं यूजिंग वन, तो ए बी की जगह हम लिख देते हैं सी ई, पी क्यू की जगह आर एस, इसको ऐसे रहने दे देते हैं, और ए डी की जगह लिख सकते हैं हम
हाफ ए ई, ये ध्यान रखना आपको, है ना। और पीएम की जगह लिख देते हैं हाफ, कितना पी एस, इसको ये लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। तो सीई अपॉन आर एस ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए ई अपॉन पी एस, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर ट्राइंगल पी आर एस, ये हमारा हो गया। इससे कैसे देखो, ट्राइंगल में देखो ए सी और पी आर, सी और आर एफ, ए और पी एफ, ये तीनों रेशियो सेम आ गए तीनों साइड के, इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर हो गया। और बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन अब मेन पार्ट है खत्म हो जाएगा। हम इसको डाल देते हैं, देखो ये कितना था, हमने वन और टू डाला था ना, ऐसा नंबरिंग डाल देते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल फोर सिमिलर है, तो एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स, है ना, एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और तो सिमिलर हो गए, तो हम क्या करेंगे, अब दोबारा से हमें करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने इन दोनों को सिमिलर किया था ए सी ई और पी आर एस, ऐसे अगर हम पी ई को ज्वाइन करते हैं तो पी क्यू एस और ए बी ई भी सिमिलर हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एंगल थ्री प्लस फोर इक्वल टू एंगल फाइव प्लस सिक्स, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। और क्वेश्चन इसी के साथ हमारा खत्म हो गया, बता देता हूँ कैसे। अब देखो भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, जो मैं ट्रायंगल प्रूव करने थे उसमें आप देखोगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो है मैं गिवन, और इनका बीच का जो एंगल है पी ए सी और क्यू पी आर वो हमने प्रूव कर दिया। मतलब मेन काम हमारा इसमें ये था कि इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर एस ए एस, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करो और फिर रिवाइज करो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं मतलब आपको जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया ए डी बी और ई डी सी, मतलब मेन स्टेप ये है, तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट कर लेंगे तो उससे हमारा ए बी और ए सी इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली पी क्यू और आर एस इक्वल आ गया। अब इन दोनों साइड को हमने जो गिवन था उसके अंदर पुट कर दिया, तो उससे हमारा ये ट्राइंगल ए सी ई और पी आर एस सिमिलर आ गया। सिमिलर आ गया तो एंगल फोर और सिक्स इक्वल हो गए, सिमिलरली थ्री और फाइव इक्वल हो गए, एडिंग करके ये आ गया, और फिर दोनों ट्राइंगल को ऐसे ऐसे सिमिलर प्रूव कर दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, इसको अच्छे से नोट करके आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।